वही लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान जारी है। हल्द्वानी के सभी बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली है। साथ ही पहली बार मतदान करने आ रहे युवा मतदाताओं में भी मतदान करने को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच निर्वाचन विभाग मतदान करा जा रहा है, जिसको लेकर जिला निर्वाचन विभाग और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। नैनीताल लोकसभा सीट पर भाजपा से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और कांग्रेस से प्रकाश जोशी के बीच कड़ा मुकाबला है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।